मोनिका, आईटीआई कोपा कोर्स में ऐसा आपको क्या स्पेशल दिखा जो आपको लगा कि मुझे इसमें अपना करियर बनाना चाहिए? व्हाट इज द रीजन कि आपने यही कोर्स ऑप्ट किया? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। टुडे अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर ऑल दोस हु वांट टू मेक देयर करियर इन COPA कोपा आईटीआई कोर्सेज। आई बिलीव दिस टेक्निकल राउंड क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा और बहुत से टेक्निकल राउंड के क्वेश्चन हम आज इस पर्टिकुलर इंटरव्यू में पूछेंगे। हमारे एक व्यूवर ने हमसे कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट किया था कि सर COPA कोपा रेचेट आपका कोई इंटरव्यू अगर हो तो बेनिफिट रहेगा, मुझे आईटीआई किया हुआ है मैंने और मैं इस जॉब से रिलेटेड जानना चाहता हूँ। तो यदि आपके पास भी कोई पर्टिकुलर कमेंट हो, कोई पर्टिकुलर आपको लगता हो ये जॉब का रिलेटेड इंटरव्यू हमने अभी तक आपके लिए नहीं बनाया है, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और बताना चाहूँगा हमारे दोनों चैनल पीडी क्लासेस और इंटरव्यू गाइड पर आप अबंडेंट ऑफ वीडियोस रिगार्डिंग स्पोकन इंग्लिश पर्सनालिटी डेवलपमेंट बॉडी लैंग्वेज के देख सकते हैं, बहुत कुछ वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख भी सकते हैं। चलिए मोनिका, सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू सर। मोनिका, जो हमारा सेशन है वो COPA कोपा कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स है। यस। तो मैं सबसे पहले तो जानना चाहूँगा आपसे कि हमें इसका जो वर्क प्रोफाइल, जो इसका स्कोप है, इसके बारे में कुछ बताइए हमें। सर, COPA की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। और ये सर आईटीआई कोपा कोर्स करने के बाद हमें के द्वारा हम कंप्यूटर और इंटरनेट रिलेटेड डेटा एंट्री, डेटाबेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेटर एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में स्टडी कर सकते हैं। इसे हम अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा सकते हैं टाइपिंग में, ईमेल सेंडिंग में, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में, नेटवर्किंग, इंटरनेट नेटवर्किंग में, इंटरनेट ब्राउजिंग में एंड एक्सेट्रा में। और क्या क्या स्किल्स चाहिए यदि किसी को कोपा आईटीआई प्रोग्रामर बनना है तो क्या क्या स्किल्स क्या होनी चाहिए उसमें? सर, बहुत सी स्पेशल स्किल्स की जरूरत होती है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें कंप्यूटर ऑपरेशंस का नॉलेज होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, मिनिमम 50 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, इंग्लिश का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। ओके मोनिका, अगर किसी को आईटीआई कोपा रिलेटेड जॉब्स के बारे में या इसके स्कोप के बारे में तो किस तरीके की जॉब्स मिलती है यहाँ पर इस कोर्स को करने के बाद? सर, इस कोर्स को करने के बाद हमारे बहुत से स्कोप हैं। जैसे हम प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में इजीली जॉब कर सकते हैं, जैसे स्कूल, कॉलेजेस और अदर कंपनीज में हम एज असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, हार्डवेयर और नेटवर्किंग जॉब और कंप्यूटर ट्रेनर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और फोटोग्राफी और खुद के एम्प्लॉय भी बन सकते हैं। हम खुद की ओन शॉप खोल सकते हैं, साइबर कैफे की, फॉर्म फिलिंग वाली सर्विस भी प्रोवाइड करा सकते हैं। कोपा वन ईयर का एक कोर्स होता है जिसके बाद हम टाटा मोटर्स, HPCL और रेलवेज में अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं और इसमें हम कस्टमर केयर सेंटर और KPO और BPO में भी जॉब कर सकते हैं। ओके, KPO नॉलेज प्रोसेस आउट। यस। ओके, चलिए, कैन बोथ अकाउंट बेस्ड एंड कोस्टिंग बेस्ड प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस बी कॉन्फिगर्ड एट द सेम टाइम? यस सर, इट इज पॉसिबल। ओके, हु इज द क्रिएटर ऑफ WWW? सर, क्रिएटर ऑफ WWW इज टिम बर्नर्स-ली। ओके, चलिए, इज देयर अ शॉर्टकट की टू व्यू मैक्रोज इन एक्सेल? सर, इट इज ऑल्ट प्लस F8। व्हाट इज द पाई शेप्ड सेक्शन ऑन द डिस्क सरफेस कॉल्ड? सर, इट इज कॉल्ड एरिया। ओके मोनिका, डेरिवेशंस के 5 टाइप्स बताइए मुझे। सर, डेरिवेशन के 5 जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं डेरिवेशन रूल, टेबल, लुक अप, मूव, क्लियर एंड एनहांसमेंट। वेरी गुड। चलिए, कंपाइलर कन्वर्ट सोर्स कोड टू विच कोड? सर, इट इज एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड। ओके मोनिका, कंप्यूटर फर्मवेयर इज प्रेजेंट इन? सर, इट इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ओके, हु इज नोन एज द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग? सर, सैमर क्रे। ओके, XML इसकी फुल फॉर्म बताइए। सर, इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ओके, और DHTML की? सर, इट्स फुल फॉर्म इज डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, इन टैली विच की इज यूज फॉर परचेज वाउचर? सर, इट्स की इज F9। ओके, एंड विच की इज यूज फॉर शॉर्टकट टू सेट द डेट? सर, की नेम इज F2। ओके मोनिका, VBA हैज अ कोडिंग, कंपाइलेशन, रनिंग एंड डीबगिंग एनवायरनमेंट कॉल्ड? सर, IDE, इट्स फुल फॉर्म इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इन डबल एंट्री इनकम इज ऑलवेज क्रेडिटेड और डेबिटेड? सर, क्रेडिटेड। ओके मोनिका, इन बूटिंग ऑफ कंप्यूटर पोस्ट इज एक्सपांडेड एज? सर, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ओके, एक अच्छी तरह से डिफाइंड डेटाबेस में डेटा टेबल एंड कॉलम के नाम में स्पेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर, नहीं होना चाहिए। ओके, व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट?
सर डेटाबेस मैनेजमेंट इज रेफरेंस टू कलेक्शन स्टोरेज मैनिपुलेशन एंड रिपोर्टिंग एंड माइनिंग ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन वेरी गुड विच कॉम्बिनेशन ऑफ की इज यूज्ड टू शो द लेजर पॉइंटर ड्यूरिंग स्लाइड शो सर दिस की इज कंट्रोल प्लस लेफ्ट माउस बटन ओके विच ब्रैकेट इज यूज्ड टू राइट एरे इन जावास्क्रिप्ट सर स्क्वेयर ब्रैकेट इज यूज्ड ओके चलिए भाई मोनिका आप हमें ये बताइए हम कोपा में क्या क्या स्टडी करते हैं सर इसमें हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर इंट्रोडक्शन ऑफ DOS, Linux, OS, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन हार्डवेयर इंस्टॉलेशन एंड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में विच बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू रिटर्न ऑफ गुड्स टू सप्लायर्स सर परचेज रिटर्न बुक ओके मोनिका ITI कोपा कोर्स में ऐसा आपको क्या स्पेशल दिखा जो आपको लगा कि मुझे इसमें अपना करियर बनाना चाहिए व्हाट इज द रीजन कि आपने यही कोर्स ऑप्ट किया सर मैंने ये कोर्स इसीलिए प्रेफर किया बिकॉज जैसे कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर का जो इस्तेमाल है वो हर फील्ड में बहुत ज़्यादा हो रहा है जैसे हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं तो हम ये कोर्स स्कूल के दौरान भी कर सकते हैं मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं PGDCA करना चाहती थी बट मैंने जब कोपा कोर्स के बारे में स्टडी की तो मुझे पता चला कि इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर ऑपरेशंस नेटवर्किंग और जो विंडोज सिस्टम्स इनके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा तो मुझे लगा ये कोर्स बेनिफिट देगा मुझे आगे इसीलिए सर मैंने इस प्रोफेशन को चुना एंड अदर इज ऑल्सो आई वॉन्ट टू बी ए हेल्पिंग हैंड ऑफ माई फादर ओके तो चलिए आपने PGDCA जो ऑप्टेड है सिर्फ मेरे ख्याल से ग्रेजुएट्स कैन ओनली डू और ये जो कोपा है ये आप स्कूलिंग पास करते ही कर सकते हैं यस बेस्ट ऑप्शन यस स्पेशली फॉर मिडिल क्लास पीपल और आप हाथों हाथ गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स भी पा सकते हैं श्योर सर चलिए ITI की कुछ और ब्रांचेस के नेम बता सकते हैं कोपा के अलावा यस सर बहुत सी ब्रांचेज है देर आर मैनी ब्रांचेज लाइक फीटर मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक डीजल मैकेनिक पंप ऑपरेटर्स एंड MMV एंड वायरमैन ओके ILO की फुल फॉर्म बताइए मुझे सर इस फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मोनिका फिश बोन चार्ट इज ऑल्सो नोन एज सर इट्स ऑल्सो नोन एज ए कोज एंड इफेक्ट डायग्राम इसे हिंदी में हम कहते हैं कारण और प्रभाव आरेख ओके प्रोनंसिएशन रेफर्स टू व्हाट सर इट इज प्रोडक्शन ऑफ साउंड ओके आपकी स्ट्रेंथ्स बताइए सर माय स्ट्रेंथ आई एम जोवियल वर्सेटाइल एंड ऑप्टिमिस्टिक पर्सनालिटी और आपकी कोई वीकनेस सर माय वीकनेस इज आई नीड टू इंप्रूव माय इंग्लिश ग्रामर एंड नाउडेज आई एम वर्किंग अपॉन इट ओके आर यू गोइंग विद बुक्स एंड ऑल दिस कोर्सेज यस सर ओके मोनिका वी हैव लॉट मेनी स्टूडेंट्स दोज हु आर वेटिंग फॉर द सिलेक्शंस तो हमारे पास और भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं तो हम आपको क्यों सिलेक्ट करें व्हाट इज द रीजन सर एट प्रेजेंट आई कांट जज अदर्स हु आर स्टैंडिंग इन अ क्यू लाइक मी एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई विल जस्टिफाई यूर सिलेक्शन बाई 100% ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी आई एम डिटरमिन एंड डेडिकेटेड पर्सन स्पेशल टूवर्ड्स माई वर्क एंड सर प्लीज गिव मी अ चांस टू शो माई स्ट्रेंथ ओके मोनिका आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस हमसे सर मनी डजंट मैटर फॉर मी वर्क इज वर्शिप फॉर मी मनी नॉट एज एसेंशियल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आर मोर इम्पॉर्टेंट क्या आप इस जॉब के लिए कहीं भी जा सकते हैं सर आई एम वर्सेटाइल पर्सनैलिटी तो मैं कहीं भी एडजस्ट कर लेती हूँ अपने आप को मैं होम सिकनेस नहीं है बस सर मुझे ओके मोनिका किस तरह के लोगों के साथ आप काम करना पसंद करते हैं सर आई एम वर्सेटाइल पर्सनली जैसे मैंने अभी बताया मैं हर तरह के लोगों के साथ वर्क करना प्रेफर करती हूँ बट आप प्रेफरेंस पूछ रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगी मैं उन लोगों के साथ वर्क करना ज़्यादा पसंद करूँगी जो ऑनेस्ट है लेजी नहीं है अपने वर्क को लेकर आप टीम स्पिरिट हैं या अकेले काम करना पसंद करते हैं सर इफ़ नेसेसरी आई कैन वर्क अलोन बट माई प्रेफरेंस इज टीम बिकॉज आई एम टीम स्पिरिट कर और मैं सारा श्रेय खुद नहीं लेती शेयर करने में बिलीव करती हूँ वंडरफुल आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया अब समय आ गया हमारे व्यूवर्स को भी बेनिफिट देने का जो लास्ट तक हमारे वीडियो को देखते हैं दोस्तों यदि आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहते हैं तो हम आपको लास्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग टिप देते हैं और आज का टिप तो बहुत अच्छा है दोस्तों क्योंकि जब आप कोपा रिलेटेड ITI रिलेटेड किसी इंटरव्यू को देंगे तो आपसे वो जरूर पूछेंगे सामने वाले कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है और इंट्रोडक्शन के अंदर यदि हम अपने इंट्रोडक्शन में अपने बारे में ज़्यादा बताएं तो ज़्यादा बेहतर रहता है इसमें भी कुछ बातें होती है दोस्तों जैसे अगर आप अपने नेम बता रहे हैं तो आपको अपने नेम का मीनिंग पता होना चाहिए अपने नेम से कॉरिलेट करना चाहिए अपनी पर्सनालिटी को ये बहुत अच्छा वे होता है आप कह सकते हैं अगर मैं अपना नेम बताऊं आई एम मनोज शर्मा एंड आई एम वेरी मच सिमिलर टू माय नेम सर एज माय नेम मींस विनर ऑफ हार्ट सो आई एम अ जोवियल पर्सन सर आई डोंट लाइक अदर्स टू रिमेन सैड इन माय कंपनी आप ऐसा कह सकते हैं आप जहाँ से बिलोंग करते हो उस सिटी के बारे में कुछ अच्छी बात कह सकते हैं पर बहुत ज़्यादा नहीं कहना सिर्फ एक लाइन उसके अलावा दोस्तों अपनी एजुकेशन बताइए हॉबीज़ बताइए बताइए स्ट्रेंथ्स बताइए पर अपनी फैमिली के बारे में बिल्कुल ना बताइए कोशिश कीजिए अपने बारे में ज़्यादा बताएं
और अदर देन दैट आप अपनी वीकनेस नहीं बताएंगे जब तक इंटरव्यूअर आपसे आपकी वीकनेस नहीं पूछे। आप कह सकते हैं मैं वर्सेटाइल पर्सन सर, आई कैन एडजस्ट एनी वेयर, आई एम अ टीम स्पिरिट पर्सन सर, आई डोंट ट्राई टू हॉग ऑल द क्रेडिट, मैं एक जोवियल पर्सन हूँ सर, मैं कॉम्पिटेटिव पर्सन हूँ सर, मैं चैलेंजेस पसंद करता हूँ। तो डेफिनेटली और आपकी हॉबीज मैच करनी चाहिए आपके पर्टिकुलर वर्क प्रोफाइल से, जिस तरीके के कार्य से आप जा रहे हैं। और यदि आप एक्सपीरियंस है तो आपको डेफिनेटली इस बात का बेनिफिट मिलेगा, आप बेनिफिट ले सकते हैं। मोनिका भैया रियली प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छे इंटरव्यू दिया, ब्लेसिंग्स टू मोनिका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।